मैं गायत्री को बुलाना चाहता हूँ दिल्ली से, फिर से शुरुआत कर रही है वो कि फिर से शुरुआत कर रही है वो, आजकल बात कर रही है वो कि फिर से शुरुआत कर रही है वो, आजकल बात कर रही है वो, उसकी आंखों में मेरा चेहरा है कि उसकी आंखों में मेरा चेहरा है, चांद को मात कर रही है वो। परिचय मुक्तक के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि चेहरा है मासूम सा मेरा, शकी निगाहें हर पल हैं। चेहरा है मासूम सा मेरा, शकी निगाहें हर पल हैं। प्यारी सी मुस्कान बिखेरू, दिल क्राइम पेट्रोल सा है। मैं नहीं कहती कि प्यारी सी मुस्कान बिखेरू, दिल क्राइम पेट्रोल सा है। कहते हैं मेरे मित्र यार सब, खुफिया एजेंसी हूँ मैं। और वेदरी चाओ सी उलझी उलझी, गुंजन एक पहेली है। वेदरी चाओ सी उलझी उलझी, गुंजन एक पहेली है। और साहित्य के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगी कि साहित्य का जो प्रचार प्रसार है वो हमारे देश विदेश में बहुत भारी संख्या में लोगों के द्वारा प्रचारित हो रहा है, और साहित्य का स्तर भी जितना बढ़ रहा है उतना ही लोग उसे गिराने में लगे हुए हैं। तो सुनिएगा कि साहित्य का मेन मकसद क्या होना चाहिए, हम सभी की जो मेन असल जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए। साहित्य के लिए समर्पित लोगों को मैं अपनी पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कि राष्ट्र के हित की बातें हो, समाज के आप बीती हो। राष्ट्र के हित की बातें हो, समाज के आप बीती हो। गीत गजलों में कविताओं में केवल बात सच्ची हो। गीत गजलों में कविताओं में केवल बात सच्ची हो। सरल अनुपम मनोहर वीर और श्रृंगार अद्भुत है। सरल अनुपम मनोहर वीर और श्रृंगार अद्भुत है। गढ़ो गए गीत गजलों को, फुहड़ता की न बातें हो। गढ़ो गए गीत गजलों को, फुहड़ता की न बातें हो। और इसी के साथ अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ कि श्रृंगार काव्य है ये, सुनिएगा। कि मैं पीर हृदय का लिखती हूँ, महफिल में शोर हो जाता है। मैं पीर हृदय का लिखती हूँ, महफिल में शोर हो जाता है। मैं हृदय खोल कर रखती हूँ, मैं हृदय खोल कर रखती हूँ, बस उन्हें खबर ना लगता है। मैं हृदय खोल कर रखती हूँ, बस उन्हें खबर ना लगता है। ये इश्क बड़ा बेरहम सा है, ट्रॉमा सा जख्म दे जाता है। ये इश्क बड़ा बेरहम सा है, ट्रॉमा सा जख्म दे जाता है। सरफेस पे दिखता ड्रामा है, बट डीपर ट्रॉमा लगता है। कि सुनकर महफिल में लोग कहें ये ओपीडी का केस लगे। सुनकर महफिल में लोग कहें ये ओपीडी का केस लगे। जो दिलों पे खाए चोट है वो, जो दिलों पे खाए, शुक्रिया, जो दिलों पे खाए चोट है वो इसे इमरजेंसी कहते हैं। जो दिलों पे खाए चोट है वो इसे इमरजेंसी कहते हैं। मैं पीर हृदय का लिखती हूँ, महफिल में शोर हो जाता है। और लड़कियों आपके लिए
लड़के तो शराब पी करके नशा करके गम भुला लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कहती हूँ, जो जाम नहीं पीते हैं वो महाकाव्य कई गढ़ देते हैं, जो जाम नहीं पीते हैं वो महाकाव्य कई गढ़ देते हैं, ना दवा कोई ना हकीम कोई, ना दवा कोई ना हकीम कोई, यादों का डोज ही लेते हैं, ना दवा कोई ना हकीम कोई, यादों का डोज ही लेते हैं। ये इश्क रोग जब बढ़ता है बेकाबू दिल हो जाता है, ये इश्क रोग जब बढ़ता है बेकाबू दिल हो जाता है, हौले हौले नर्वस सिस्टम से दिल को नर्वस करता है, हौले हौले नर्वस सिस्टम से दिल को नर्वस करता है, मैं पीर हृदय का लिखती हूँ महफिल में शोर हो जाता है, मैं पीर हृदय का लिखती हूँ महफिल में शोर हो जाता है, तो कहती हूँ कि हम लिखते हैं दर्द तो दिल में भावनाएं उमड़ जाती हैं, हम लिखते हैं दर्द तो दिल में भावनाएं उमड़ जाती हैं, और आँखों में भरकर नीर वेदन भरा मन सिहर जाता है, और लोग कहते हैं कि पागलपन की हद से गुजर चुके हम, लोग कहते हैं कि पागलपन की हद से गुजर चुके हम, यकीनन कवि और पागल में अंतर कहाँ होता है। शुक्रिया।